सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने भी पोकेमॉन अटैक्स है, सारे पोकेमॉन के लिए उनका एनिमेशन बिल्कुल सेम होता है। बट ये केस सारे पोकेमॉन के साथ नहीं है। कुछ पोकेमॉन एक स्पेसिफिक मूव को सारे पोकेमॉन से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, या फिर उनका एनिमेशन बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब वो यूज तो सेम ही मूव कर रहे हैं, बट उनका एनिमेशन अलग है, या फिर उनका मूव बहुत ज्यादा स्पेशल है दूसरे पोकेमॉन के मुकाबले। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया क्योंकि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाए। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर देना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 9 के साथ। नंबर 9 पे आता है गूजमा के सीजर और ऐश के नागानाडेल का एक्सीजर। तो एक्सीजर एक मूव है जो कि एक पोकेमॉन अपने दोनों हाथों या फिर दोनों क्लॉस का यूज करके सामने वाले पोकेमॉन को मारता है, और बिल्कुल इसके नाम के तरह इसका शेप बिल्कुल एक्स के तरह होता है। अब पोकेमॉन एनीमे के अंदर काफी सारे पोकेमॉन ने एक्सीजर का यूज किया, जैसे कि जैंगगूस, क्रस्टल या फिर हाउलूचा। पर जब भी ये सारे पोकेमॉन एक्सीजर का यूज करते हो तो उनका एक्सीजर या तो पर्पल कलर का होता है या तो लाइट ब्लू कलर का होता है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन जब भी का यूज करता है तो उसका कलर या तो पर्पल होता है या तो लाइट ब्लू होता है। ये दोनों कलर सबसे कॉमन है, बट जब भी ऐश का नागानाडेल और गुजमा का सीजर एक्सीजर मूव का यूज करते हैं तो उनका कलर लाइट ग्रीन होता है, ना कि पर्पल या फिर ब्लू। एंड यही चीज इनके मूव को यूनिक और सबसे अलग बनाती है। अब ये दोनों पोकेमॉन लिस्ट में इसलिए इतना नीचे है क्योंकि ये एनिमेशन चेंजेस हो सकती है, क्योंकि इन दोनों पोकेमॉन ने अलोला में इन मूव का यूज किया था, बट बाकी सारे पोकेमॉन पहले के रीजन से बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है अलोला में जितने भी पोकेमॉन हो उन सबका एक्सीजर इसी कलर का होता हो। तो हाँ, ये एनिमेशन चेंज हो सकता है जिस वजह से नंबर 9 पे आता है, यानी कि सबसे नीचे आता है। और नंबर 8 पे आता है ऐश के पिकाचू का थंडर बोल्ट, थंडर शॉक और थंडर। अब इन तीनों मूव का एनिमेशन तो बिल्कुल सेम है जैसा कि हर एक पोकेमॉन का होता है, बट इनमें अलग ही स्पेशल पावर है। सबसे पहले तो ये मूव ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को हिट कर सकता है, जो कि कोई और इलेक्ट्रिक टाइप अटैक नहीं कर सकता। जैसे कि कैंटो में इसने गोलम एंड राइडोन जैसे पोकेमॉन को हराया था। इवन राइडोन के पास तो लाइटनिंग रॉड एबिलिटी होती है, और जिस पोकेमॉन के पास ये एबिलिटी होती है उस पोकेमॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप मूव का बिल्कुल भी असर नहीं होता, उल्टा उसके स्पेशल अटैक और बढ़ जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह की एक और एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक वायर के पास, जो कि ये मोटर ड्राइव। इस एबिलिटी की वजह से एक पोकेमॉन के ऊपर जब भी एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव लगता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। पर पोकेमॉन जर्नीस में जब ऐश का पिकाचू वॉकनर के इलेक्ट्रिक वायर के साथ बैटल करता है तो उसके इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का उसके ऊपर डैमेज पड़ जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक वायर के पास ये एबिलिटी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ऐश के पिकाचू के अटैक कितने ज्यादा स्ट्रांग है। तो हाँ, यही चीज ऐश के पिकाचू के इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स को दूसरों से यूनिक और स्पेशल बनाती है। और नंबर 7 पे आता है ऐश के लुकारियो का ऑरा स्पीयर। अब अगर आपको नहीं पता तो पोकेमॉन जर्नीस में ऐश ने क्रियोलो को पकड़ा है, जो कि अभी फुली इवॉल्व हो चुका है लुकारियो में, और साथ में इसके पास ऑरा भी है। एंड इसके पास एक काफी स्पेशल मूव है जो कि है ऑरा स्पीयर। अब ये मूव तो ऑलमोस्ट हर एक लुकारियो के पास होता है, बट ऐश का लुकारियो का ऑरा स्पीयर बहुत ज्यादा बड़ा है बाकी लुकारियो के मुकाबले, और ये चीज आप लोग इस इमेज में क्लियरली नोटिस कर सकते हो। एंड इवन ये कोरिना का मेगा लुकारियो से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये तो कुछ भी नहीं, जब ऐश का लुकारियो मेगा इवॉल्व होता है तो उसका ऑरा स्पीयर और भी कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। और यह हमें तब देखने को मिलता है जब ऐश का लुकारियो पहली बार मेगा इवॉल्व होता है जिगेंटामैक्स मचैम्प से बैटल करते वक्त। और इस ऑरा स्पीयर की साइज तो इवन यार लुकारियो से भी ज्यादा बड़ी है, और मैं श्योरली कह सकता हूँ कि इतना बड़ा किसी भी लुकारियो का ऑरा स्पीयर नहीं होगा। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पे आता है ऐश के राउलेट का सीड बॉम्ब। अब सीड बॉम्ब एक काफी सिंपल सा मूव है, इसको कोई भी पोकेमॉन यार इजीली यूज कर सकता है। इसको यूज करने के बाद यार एक पोकेमॉन काफी सारे सीड्स को एक साथ सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर फायर करता है, पर ऐश का राउलेट अपने सीड बॉम्ब को एक अलग तरीके से यूज करता है। सबसे पहले तो राउलेट अपने मुंह के अंदर एक स्टोन को रखता है एंड फिर वो उसको काफी तेजी से बाहर फेंकता है, और इसी तरीके से राउलेट सीड बॉम्ब का यूज करता है, जो कि काफी यूनिक तरीका है एंड ऐसा तरीका किसी भी पोकेमॉन ने यूज नहीं किया है। तो आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉक क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का ऐसा कौन सा पॉकीमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व और साथ में जिगेंटामैक्स दोनों हो सकता है। नंबर 5 डबल टीम। इस मूव के बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। इस मूव को यूज करने के बाद एक पोकेमॉन के काफी सारे फेक क्लोन्स बन जाते हैं, और अटैक पड़ने पे या फिर कॉन्टैक्ट में आने पे वो गायब भी हो जाते हैं। पर हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, वो अटैक नहीं कर सकते या फिर डैमेज नहीं दे सकते। पर अगर आपको नहीं पता तो ऐश के लुकारो के पास भी डबल टीम है, एंड वो भी काफी यूनिक है, क्योंकि जब डबल टीम में फेक कॉपीज किसी मूव का यूज करती है तो वो भी फेक होता है, यानी कि वो भी गायब हो जाता है। बट ऐश के लुकारो के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि डबल टीम यूज करने के बाद ऐश के लुकारो के कॉपीज जो भी मूव यूज करते हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं एंड उनका डैमेज भी पड़ता है, और ऐसा किसी और पोकेमॉन के साथ नहीं होता।
नंबर 4 पे आता है म्यूटू का शैडो बॉल। अब शैडो बॉल एक काफी स्ट्रॉन्ग घोस्ट टाइप मूव है एंड इसको काफी सारे पोकेमोन यूज कर सकते हैं और नॉर्मली शैडो बॉल साइज में काफी छोटा होता है, पर म्यूटू एक ऐसा पोकेमोन है जो कि शैडो बॉल यूज करते वक्त अपने हिसाब से उसको कितना भी बड़ा कर सकता है और ये चीज इसके डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखी हुई है। और पोकेमोन जर्नी में जो म्यूटू अपियर हुआ था उसका शैडो बॉल भी बहुत ज्यादा बड़ा था, जो कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, और ये शैडो बॉल इतना बड़ा था कि ये किसी को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता था। और नंबर 3 ऐश के टैलोन फ्लेम का फ्लेम चार्ज। तो फ्लेम चार्ज ऐश के टैलोन फ्लेम का वन ऑफ द बेस्ट मूव था और फ्लेम चार्ज मूव से डैमेज पड़ता है एंड ऐश के टैलोन फ्लेम का फ्लेम चार्ज भी बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि जब भी कोई पोकेमोन फ्लेम चार्ज का यूज करता है तो उसके आजू बाजू ऑरेंज या फिर येलो कलर की फ्लेम्स आ जाती है, और जब भी ऐश का टैलोन फ्लेम फ्लेम चार्ज यूज करता है तो ऑरेंज या फिर येलो फ्लेम्स के बजाय उसके आजू बाजू ब्लू कलर की फ्लेम्स आ जाती है। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना या फिर पढ़ा तो होगा कि जब फ्लेम्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो उनका कलर ब्लू हो जाता है, तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि टैलोन फ्लेम का जो फ्लेम चार्ज है वो बाकी पोकेमोन के फ्लेम चार्ज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर गर्म है, जिससे ऑफ कोर्स बाकी फ्लेम चार्ज के मुकाबले बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता होगा। और हाँ, मैं ये भी मेंशन कर दूं कि हर बार टैलोन फ्लेम का फ्लेम चार्ज ब्लू कलर का नहीं होता, कभी कभी होता है। नंबर 2 ऐश के इन्फर्नेप का फ्लायर ब्लिट्स। अब फ्लायर ब्लिट्स को आप लोग इन्फर्नेप का फ्लेम चार्ज कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों मूव काफी हद तक सेम होते हैं और इन्फर्नेप का केस भी बिल्कुल टैलोन फ्लेम के तरह है। पोकेमोन एनीमे के अंदर काफी सारे पोकेमोन ने फ्लायर ब्लिट्स का यूज किया, जैसे कि मेगा ब्लेजिकन या फिर इम्बोर, पर किसी का फ्लायर ब्लिट्स या तो येलो होता है या तो किसी का ऑरेंज होता है, पर बिल्कुल टैलोन फ्लेम के तरह इन्फर्नेप का जो फ्लायर ब्लिट्स है वो ब्लू होता है। और ये तो मैंने बता ही रखा है कि जब आग बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है रेड के बजाय, और ये अटैक नॉर्मल अटैक से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जो कि अपने आप में काफी स्पेशल है। और फ्लायर ब्लिट्स फ्लेम चार्ज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव होता है एंड इस वजह से इन्फर्नेप टैलोन फ्लेम से ज्यादा ऊपर है। और फाइनली नंबर 1 ऐश के ग्रीनिंजा का वाटर शुरिकेन। अब यार इसको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाटर शुरिकेन एक काफी वीक मूव होता है जब तक वो ऐश के ग्रीनिंजा का ना हो, क्योंकि यार ऐश का ग्रीनिंजा जब बॉन्ड इवॉल्व होता है तो उसके बैक पे एक वाटर शुरिकेन बन जाता है, और उसके बाद जब ऐश का ग्रीनिंजा वाटर शुरिकेन यूज करता है तो अपने वाटर शुरिकेन को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है। और कैलोस लीग के सेमीफाइनल्स में जब ऐश का ग्रीनिंजा सॉफ्टवेयर के सेप्टल के साथ बैटल कर रहा होता है तब हमने देखा था कि उसका वाटर शुरिकेन कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है, एंड डेफिनेटली कोई और ग्रीनिंजा या फिर कोई और पोकेमोन इतना बड़ा वाटर शुरिकेन फॉर्म नहीं कर सकता, और इस वाटर शुरिकेन में यार नॉर्मल वाटर शुरिकेन से कहीं ज्यादा पावर होती है, तो हाँ इसीलिए नंबर 1 पे आता है। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर देना। एंड हाँ, दोबारा फिर से मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।